गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा, रजिस्टर के बारे में पढ़ा, किस किस फैक्टर के ऊपर हमारे जो रजिस्टर्स होते हैं, रेजिस्टेंस होती है वो डिपेंड करती है, वो पढ़ा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक, हम रजिस्टर को किस किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो बात करते हैं हम रजिस्टेंस इन सीरीज की। देखो, जब भी आप जब आप रजिस्टर को सीरीज में ऐड करते हो, आपको क्या मिलती है? मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलती है उस केस में। ठीक है, जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम वाली वैल्यू मिलती है आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, सर्किट डायग्राम ली। ये बैटरी जिसका पोटेंशियल वी, ठीक है, बैटरी है, यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ पे रजिस्टर्स है 1, 2, 3। रजिस्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, कुछ भी लगा हुआ हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहां से ये मीटर लगा हुआ है जो करंट को मेजर करेगा, इसमें से करंट जितना पास होगा। अब इसको ध्यान से समझना, आपने क्या करना है, C टू D पॉइंट तक जाना है। ठीक है, तो आप ये मान लो आप क्या कर रहे हो, आपने क्या आपके पास यहां से तक यहां तक जाना है आपने C टू D, और बीच में आपको 3 पहाड़ चढ़ने हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, आपको क्या करना है, 3 पहाड़ चढ़ने हैं। पहला पहाड़ चढ़ोगे आप R1 वाला, यहां पहुंच के आपके पास जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। यहां चढ़ोगे और कम हो जाएगी, यहां चढ़ोगे तो कुछ और एनर्जी के साथ चढ़ोगे। ठीक है, और ये एनर्जी क्या है, ये है जो पोटेंशियल होगा उसके अलोंग। ठीक है, मतलब बैटरी का पोटेंशियल कितना था, बी था। इस पोटेंशियल ने क्या करा, यहां पर चार्ज पहुंच गया क्यू, इस चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाना है, तो कुछ वर्क करना पड़ा, तो कुछ पोटेंशियल इसमें लग गया यहां तक लाने में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको यहां से अभी चार्ज यहां पहुंच चुका है, अब इसको यहां से यहां तक लेके जाना है तो कुछ और पोटेंशियल लगेगा, इसको यहां से यहां तक लेके जाना है तो जो पोटेंशियल होगा वो कुछ और होगा, वो वैल्यू क्या होगी, कुछ चेंज हो चुकी होगी। क्लियर है, तो इस तरह से पोटेंशियल जो होगा सीरीज में वो क्या होता है, डिवाइड होता है। अब करंट का फ्लो, मैंने तुम्हें जब करंट का फ्लो करवाया था तो मैंने किसका एग्जांपल दिया था, वाटर के फ्लो का। ठीक है, अब देखो वाटर फ्लो हो रहा है किसी जगह से, तो देखो जितना वाटर इससे फ्लो होगा उतना ही यहां से फ्लो होगा, उतना ही यहां से फ्लो होगा, इसमें कोई डाउट, क्योंकि रास्ता क्या है, एक ही है, ऑब्स्ट्रक्शन चाहे ज्यादा है बट रास्ता क्या है जाने के लिए, उसके पास एक ही रास्ता है, तो करंट क्या रहेगा इन सब में, सेम रहेगा। ठीक है, तो ये होता है करंट आई फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस इन सीरीज विल रिमेन सेम एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स विल बी डिफरेंट। तो ओम्स लॉ क्या बोलता था, B इज इक्वल टू आई आर, तो B1 कितना होगा IR1, B2 कितना होगा IR2, V3 कितना होगा IR3, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, तो V कितना हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस V3। अब V की जगह मैंने क्या पुट कर दिया IR, B1 की जगह I1R1, B2 की जगह I2R2, B3 की जगह I3R3, I कॉमन ले लिया अंदर, क्या बचा R1 R2 R3, तो इस आई से ये आई कैंसल आउट, ये क्या है साइड आपके पास, आर इफेक्टिव है, तो आर इफेक्टिव कितना आ गया, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं, कौन से केस में, जब हम रेजिस्टेंस को किस में ऐड करते हैं, सीरीज में ऐड करते हैं। क्लियर है, और सीरीज में ऐड किस तरह से करते हैं, कि एक रजिस्टर का जो एंड होता है वो दूसरे रजिस्टर के साथ अटैच होता है। ठीक है,